स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम घर से चूहों को बिना मारे हम भगा सकते हैं। तो देखिए, चूहों को भगाने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप आसानी से आपको घर में भी मिल जाएंगे। आपको बाहर से कोई छोट एक दो चीज़ें ही लानी पड़ेगी और उनसे ही वो चूहे वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए ताकि चूहे हैं वो निकल जाएं घर से आसानी से। तो ये लिया है मैंने तेज पत्ता। अक्सर हम सब्जी बनाने के लिए तेज पत्ते का यूज करते हैं, तो आप दो तीन तेज पत्ता लीजिए और इनको जला लीजिए एक खराब बर्तन में। और इनको जलाने के बाद आप अपने कमरे को कर दीजिए बंद, जिस कमरे में चूहे हैं, और थोड़ी देर बाद कमरे को खोल दीजिए। जब इसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी तो चूहे हैं वो अपने आप निकल के भाग जाएंगे। देखिए दूसरी ट्रिक है चूहों को भगाने के लिए। मैंने ली है ये कॉटन की बॉल्स, इनको मैंने इस तरीके से बना लिया छोटे छोटे। इन पे डाल लीजिए आप पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल थोड़ा थोड़ा, और फिर इन कॉटन बॉल्स को डाल दीजिए बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे, जहाँ भी आपके कमरे में चूहे हैं वहाँ पर आप डाल दीजिए। इसकी स्मेल से भी चूहे हैं वो जल्दी भाग जाएँ, क्योंकि चूहे में सूंघने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो वो इसकी स्मेल से भाग जाएंगे। हमारी अगली ट्रिक है, आप लीजिए केरोसिन, इस तरीके का होता है, तो इसको लीजिए एक कॉटन बॉल और इस पे आप इस तरीके से लगा दीजिए, और फिर इसको आप बेड के जहाँ भी चूहे हो वहाँ डाल दीजिए, तो केरोसिन की स्मेल से भी चूहे हैं वो आसानी से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से आप चूहे को भगा सकते हैं। ये चूहे को भगाने के लिए अगली ट्रिक है, तो इसमें मैं लेती हूँ 2 चम्मच आटा, साथ ही 2 चम्मच लेती हूँ मैं बेसन, 1 चम्मच लिया है मैंने तंबाकू। आप कोई भी तंबाकू ले सकते हैं, मैंने लिया है ये हंस तंबाकू। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर के आसपास मिले। तो तंबाकू का यूज करना वैसे हानिकारक होता है, तो आप ना यूज करें, चूहों को भगाने के लिए ही यूज करें। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ, साथ ही डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर, और डाल देती हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच फुल देसी घी, क्योंकि देसी घी की स्मेल काफ़ी अच्छी होती है, वो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अच्छी लगती है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ देसी घी, और इसका तैयार कर लेते हैं हम एक डो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे रोटी पूरी का डो लगाते हैं वैसे ही हम इसका तैयार कर लेंगे। बेसन का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि आटा है वो हमारा जल्दी टाइट हो जाता है, तो बेसन है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम डो तैयार कर लेंगे, और इसको खाने के बाद चूहों को प्यास लगेगी तो पानी की तलाश में इधर उधर भागेंगे। तो आप अपने गेट को खोल दीजिए, थोड़ी देर बंद कर दीजिए जब ये बॉल्स रखें, उसके बाद पानी वाली सारी जगहों को आप बंद कर दीजिए, जैसे रसोई में, बाथरूम में, जहाँ भी पानी हो, और उसके बाद गेट खोल दीजिए ताकि सारे चूहे वो बाहर निकल जाएंगे। इसे मैंने डो तैयार कर लिया, अब इसकी बना लेते हैं छोटी छोटी बॉल्स, क्योंकि हमारे घर में चूहे नहीं है तो मैंने कम मात्रा में बनाया। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो इस तरीके की बॉल्स बना लें और जहाँ पे चूहे हैं उस कमरे में आप डाल दें, और जैसा मैंने बताया कि एक बार बंद कर दें, उसके बाद पानी वाली सारी जगह बंद कर दें और फिर गेट खोल दें, तो सारे चूहे हैं वो पानी की तलाश में बाहर भाग जाएंगे और नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चूहे भगाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।